हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम एक और गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट फोन पे। आज हम इस पे टेस्ट करेंगे न्यू स्टेट मोबाइल गेम को। इसमें वर्जन 0.9.48.446 इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं इसकी बैटरी फिलहाल फुल है। एंड टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल रूम का मैक्स टेम्परेचर है 2902 डिग्री सेल्सियस और रूम में मैंने सिर्फ एक टेबल फैन ही चला रखा है। फोन की स्क्रीन का मैक्स टेम्परेचर है 34.8 डिग्री सेल्सियस और फोन के पीछे का मैक्स टेम्परेचर है 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो चलो अब हम गेम को लॉन्च करते हैं और साथ में ही हम टाइमर को भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि मैं ये थंब स्लीव्स क्यों यूज कर रहा हूँ, और अगर नहीं पता तो इस फोन के पहले के दोनों ही गेमिंग टेस्ट जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसमें बिल्ट इन प्रो गेमर मोड के साथ साथ FPS मीटर को भी इनेबल कर दिया है। इसकी सेटिंग्स की बात करूँ तो 90 FPS लाइट पे गेम टेस्ट करने वाला हूँ मैं आज। देखता हूँ कितनी स्मूथ चलती है गेम। मैं इसमें अलग अलग मैप्स ट्राई करूंगा जिनमें से सबसे पहला है लैगना। चलिए तो मैं अब इस गेम को खेलता हूँ अगले 30 मिनट तक और फिर हम लौटेंगे दोबारा से बैटरी और टेम्परेचर की रीडिंग्स लेने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम बैटरी देख लेते हैं। 30 मिनट न्यू स्टेट मोबाइल खेलने के बाद बैटरी पहुंच चुकी है 91% पे और टेम्परेचर की बात करूं तो फिलहाल रूम का मैक्स टेम्परेचर 30.3 डिग्री सेल्सियस है, एक डिग्री भी नहीं बढ़ा। लेकिन फोन की स्क्रीन का टेम्परेचर करीब 5 डिग्री बढ़ के हो चुका है 39.5 डिग्री सेल्सियस और फोन के पीछे का मैक्स टेम्परेचर तो और भी ज्यादा बढ़ के हो चुका है 38.8 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए हाथों में थोड़ा सा गर्म लगने लगा है फोन। पिछले आधे घंटे में गेम ने सही परफॉर्म किया, इनफैक्ट FPS भी 80 से ऊपर ही रहा ज्यादातर, जो काफी बढ़िया लगा मुझे इस फोन में। खैर देखते हैं कब तक FPS इतना रहता है। चलो तो मैं अब खेलता हूँ अगले 30 और मिनट के लिए और इस बार मैं टेस्ट करूंगा अकिंता मैप को। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो अब इस गेम को खेलते हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो चुका है, तो जल्दी से बैटरी चेक कर लेते हैं। 1 घंटा न्यू स्टेट मोबाइल खेलने के बाद बैटरी पहुंच चुकी है 79% पे और टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल रूम का मैक्स टेम्परेचर पिछले आधे घंटे में सिर्फ 0.1 डिग्री ही बढ़ा है। फोन की स्क्रीन का मैक्स टेम्परेचर करीब 2 डिग्री और बढ़ चुका है और फोन के पीछे का भी मैक्स टेम्परेचर करीब 2 डिग्री ही बढ़ा है। गेम प्ले की बात करें तो अभी भी गेम स्मूथ ही है, लेकिन FPS अब काफी गिर चुका है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। GPU परफॉर्मेंस 40 से 60% के बीच में ही रही, लेकिन CPU 100% पे ही रही ज्यादातर, जो सही में एक प्रॉब्लम है और आगे जाके फोन की डिग्रेडेशन भी ज्यादा हो सकती है इसकी वजह से। चलिए तो मैं अब इस पे फिर से गेमिंग करता हूँ अगले 1 और घंटे के लिए और फिर हम मिलते हैं दोबारा से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस गेम को खेलते हुए मुझे पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम बैटरी देख लेते हैं। 2 घंटे न्यू स्टेट मोबाइल खेलने के बाद बैटरी पहुंच चुकी है 58% पे, मतलब कि हर आधे घंटे में एवरेज ऑलमोस्ट 10 से 11% बैटरी कम होती है इसमें। और टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल रूम का मैक्स टेम्परेचर है 28.6 डिग्री सेल्सियस, फोन की स्क्रीन का मैक्स टेम्परेचर है 39.5 डिग्री सेल्सियस जो स्टार्टिंग से करीब 5 डिग्री ज्यादा है, और फोन के पीछे का मैक्स टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस जो स्टार्टिंग से कंपेयर करें तो 6.5 डिग्री ज्यादा है।
इस फोन में कूलिंग की सीरियस प्रॉब्लम है, जिसका मतलब हुआ कि लंबे टाइम तक गेमिंग नहीं कर सकते आप इस पे। सीपीयू परफॉर्मेंस अभी भी 100% टच कर रही है, जो एक और मेजर प्रॉब्लम है, और जीपीयू 50% की एवरेज में ही रहा। FPS पिछले एक घंटे में काफी फ्लक्चुएट हुआ, जिसका मेन रीजन फोन का गर्म रहना है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस फोन पे गेम्स को लाइव स्ट्रीम करना इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि इस फोन पे न्यू स्टेट मोबाइल खेली जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक इस पे गेमिंग ना ही करें तो अच्छा है। बहुत ही एवरेज सा फोन है ये, गेमिंग के लिए मैं ऐसे रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने लिखने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है इसमें। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।